स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज का शो का नाम दिया गया है कंप्यूटर वेडनेसडे और आज हम लोग बात करेंगे हमारे टेक वर्ल्ड का बैकबोन के बारे में, जिसे ऑनलाइन UPS या डबल कन्वर्जन UPS कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आपको पहले समझना होगा इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। आप बस सिंपली ऐसे समझिए कि अगर कोई भी सामान में बहुत पैसा लगा चुके हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने नया 4K TV ले लिया या फुल HD का 60 इंच का TV खरीद लिया, तो उस समय काफ़ी खर्च आपने कर दिया है और आप चाहोगे कि कई लाख का सामान आप सेफ रखो, तो ये पहला रीज़न होता है। और फिर आप देखिए सर्वर सब में जो डेटा है वो बहुत प्राइसलेस है, उसको ना छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है और आपका कोई भी टेक सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता अगर आपका सर्वर ही डाउन है। तो इस दरमियान सर्वर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होने के चलते सर्वर को हमेशा ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन रखने के लिए उसको पावर चाहिए, पावर के लिए UPS यूज़ करते हैं। फिर आप हॉस्पिटल में देखिए ये सब मॉनिटर आप देख रहे हैं, जो हार्ट रेट या जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ये सब बंद नहीं हो सकता भाई, आदमी मर जाएगा। तो इस कारणवश एक रिलायबल, एक भरोसेमंद पावर सोर्स होना ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन UPS यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जिसे मैंने लाल में किया है, पावर कंडीशनिंग ये करता है। तो इसका मतलब आप ये समझिए, जब भी आपके बिजली आप ग्रिड से ले रहे हो, जो आपके घर में बिजली आ रही है, कभी उसका वोल्टेज अप रहता है, कभी डाउन रहता है, कभी फ्लक्चुएशन होता है, कभी वो ऑन ऑफ होता है, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी ही कम बेसी हो जाती है और बहुत सारे अदर अदर हेडेक होने के चलते आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़ता है, आपको CVT लगाना पड़ता है, आपको सर्वो स्टेबलाइज़र लगाना पड़ता है, आपको इन्वर्टर लगाना पड़ता है ताकि आपका सामान यूज़ किया जा सके सेफली। तो ये वो सारे चीज़ों का काम अकेले खुद कर लेता है। तो आइए इसके आगे इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ना। ये मैंने एक रफ टोपोग्राफी डायग्राम बनाया है, ये रफ है, इसको एग्ज़ाम में मत ले जाइए, बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आपका मेन पावर आ रहा है, मेन पावर में थोड़े से रिपल्स हैं, थोड़े नॉइजी जिसको कहा जाता है, वो है आपका AC करंट। उस AC करंट को फ़िल्टर में डाला जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ यूज़ किए जा सकते हैं, इंडक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, कैपेसिटर यूज़ किए जा सकते हैं। इसका मतलब एक अपना ये अलग यूनिट है और इससे पावर फैक्टर करेक्शन किया जाता है। और इसके बाद ये फ़िल्टर से जो थोड़ी थोड़ी सी स्टेबल हो गई, ये समझिए इनका स्टेबलाइज़र का पहला स्टेप है। स्टेबलाइजर के बाद रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को जो वोल्टेज है उसको स्टेबलाइज़ करके उस जगह पे लाता है जो बैटरी के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो ये 24 वोल्ट पहले इसको ट्रांसफार्मर से नीचे लाएगा 24 वोल्ट को, फिर उस 24 वोल्ट को AC से DC में बदलेगा और ये DC सर्किट में अब घुस रहा है। अब यहाँ पे सारा मैजिक शुरू होता है। DC में आप आए तो ये DC जो पावर दे रहा है, इस पावर को दो जगह पे भेजा जा रहा है, पहला बैटरी चार्जर में, दूसरा लोड में। और जो हम लोग UPS को कहते हैं डबल कन्वर्जन, उसका यही मतलब हो रहा है कि हर वक्त आपका आउटपुट डायरेक्टली DC सेक्शन से चल रहा है, आप AC से कनेक्टेड ही नहीं हो। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया चार्ज कंट्रोलर। नाउ चार्ज कंट्रोलर का काम होता है कि वो बैटरी को चार्ज करने को मॉनिटर करे, क्योंकि मान लीजिए बैटरी आपकी फुल चार्ज होने पे है, 80% हो गई चार्ज, तो वो काफ़ी कम एम्प लेगी, उसको ट्रिकल चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो उसको ज़्यादा स्पीड से आप चार्ज कर सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना होगा टेम्परेचर कितना है रूम का, मान लीजिए 40-50 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो आपको बैटरी पे कम लोड देने के लिए आपको टेम्परेचर स्टेबल रखने के चक्कर में आपको एम्प्स घटाने पड़ेंगे। ये सारा काम चार्ज कंट्रोलर करता है। नाउ चार्ज कंट्रोलर अपना काम कर दिया, वो बैटरी चार्ज कर रहा है। और आप कई बार ये सुनेंगे ऑनलाइन UPS के बारे में लोग कहते हैं कि भैया बैटरी से ये कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं रही, हमेशा बैटरी पे चल रहा है। नहीं, बैटरी पे नहीं, बैटरी कैपेसिटर नहीं है, आप उसको सीधे DC लाइन में नहीं रख सकते, वो या तो चार्ज हो रहा है या तो डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। तो उस कारणवश एक इसका पावर को एक DG में डाला जा रहा है। DG का बस ये कंपनी का पेटेंट होता है, हर कंपनी अलग तरीके से करती है और इसे मैं पूरी अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता, लेकिन DG आप ऐसा समझिए डायोड गेट है और कर ये रहा है कि इसमें दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, और इनपुट जो है एक प्राइमरी है, प्राइमरी इनपुट जो कि आपका रेक्टिफायर से आ रहा है। तो जैसे ही पावर कट होती है, आपका बैटरी चार्ज होना बंद हो गया क्योंकि पावर ख़त्म हो गई है, वैसे ही डायरेक्टली डायोड के थ्रू दूसरा पावर जाने लगता है और इसमें स्विचिंग नहीं होती है, ये हमेशा दोनों चालू है, लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब एक बंद हो जाएगा। तो यहाँ स्विच नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन यही है, ये इसी
इसी चीज़ का आपको पैसा देना पड़ता है ऑनलाइन यूपीएस में, और आपका डीजी के चलते कोई भी स्विचिंग डिले नहीं है, आपका लाइन आया आया चला गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बहुत फास्ट क्या कहिए, कभी रुक ही नहीं रहा है। और इसके बाद आपका पावर जाता है इन्वर्टर में, ये इन्वर्टर होता है साइन वेव इन्वर्टर। तो आप बोलोगे भाई ये ठीक है, बैटरी तो डीसी दे रहा है तो साइन वेव में कैसे बदल दे रहा है, तो आपको सबको पता है स्क्वायर वेव के लिए तो कुछ करना नहीं, ऑन ऑफ करो ठक 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 ठक, लेकिन आप स्क्वायर वेव से आप तो पंखा चलाने पे ही आपको पता चल जाता है उसके इतना नॉइजी हो जाता है, तो साइन वेव चाहिए। साइन वेव करने के लिए इन्वर्टर के सेक्शन में एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसे IGBT कहते हैं, और IGBT का चलाने के लिए मतलब IGBT ऑन ऑफ बहुत जल्दी हो सकता है, MOSFET पहले जो यूज़ किया जाता था वो बहुत स्लो होता है, कट 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 IGBT कई हज़ार बार एक सेकंड के अंदर कर सकता है। तो IGBT का फास्ट ऑन ऑफ का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सिग्नल ड्राइवर चाहिए, वो सिग्नल ड्राइवर को हम लोग कहते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, नाउ PWM जिसको कहा जाता है। PWM का इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपका जो भी वोल्टेज आ रहा है आप उसको आराम से घटा सकते हैं। नाउ आप कहोगे कि घटाने से क्या फ़ायदा होगा, तो आप ये समझिए बैटरी जो है आप लगाए हैं, जैसे मान लिया आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाए, तो जब वो फुल चार्ज रहती है तो 13 वोल्ट पे होगी, या कोई कोई 14 वोल्ट पे चार्ज, जब फुल डिस्चार्ज हो रही है मतलब सेफ डिस्चार्ज लिमिट पे जा रही है तो वो 10 वोल्ट या 8 वोल्ट तक घटेगी। तो ऑनलाइन UPS चूँकि उसको हर टाइम चलते रहना होता है और वो उसका वोल्टेज घट नहीं सकता, जैसे सस्ते इन्वर्टर में आप देखते होंगे कि बैटरी खत्म होने वाला है और आपको पहले ही दिख जाता है बल्ब बड़ा डिम हो गया है, पंखा स्लो चल रहा है, तो वो सब ना हो इसके चलते ये लोग जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो बनाते हैं कि वोल्टेज कट ऑफ से ही काम कर सके, यानी वो ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का नहीं रहेगा, वो ट्रांसफार्मर बनाया जाएगा 10 वोल्ट से 220 वोल्ट के लिए। ऐसा करने से इनके पास ये फ़ायदा होता है, जब पल्स विथ मॉड्यूलेशन यानी ये इन्वर्टर स्टेज में जाते हैं तो ये वोल्टेज को आराम से घटा सकते हैं, बैटरी फुल चार्ज आराम से कम कर दें, विथ जो है पल्स का उसको ये लोग टाइट कर देते हैं, पतला कर देते हैं, तो इससे वोल्टेज घट जाता है और मान लीजिए बैटरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये विथ बढ़ाते चले जाएंगे, इससे ये फ्लक्चुएशन जो फ्लक्चुएशन रेक्टिफायर में आ रहा है और जो फ्लक्चुएशन बैटरी से आ रहा है ये सबको कंट्रोल करते हैं, और ये फ्लक्चुएशन के बाद जब ये कंट्रोल हो चुका है साइन वेव में बन चुका है, ये AC बन चुका है, इसके बाद इसको ये लोग डालते हैं ट्रांसफार्मर में, और ये ट्रांसफार्मर का ही सारा खेला है। इस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है गैल्वेनिकली आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, इसका सीधा ये मतलब है कि कोई भी लाइन डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हुई है, कुछ भी जो यहाँ पे आ रहा है इनपुट में वो डायरेक्टली उधर नहीं जा रहा है, आपका पूरी तरह से आइसोलेशन, मतलब इस पर बिजली भी गिर जाए तो ये रोक डालेगा। ये एक फिजिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर का सेक्शन अगर एक साइड में कुछ होता है दूसरे साइड में पहुँचने में टाइम लगता है, जनरली वो टाइम आपके लिए कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, आप स्पाइक भी अगर आया तो वो ट्रांसफार्मर एब्जॉर्ब करेगा, और मान लीजिए कुछ हो गया ट्रांसफार्मर में कुछ बहुत ज़्यादा हो गया तो शॉर्ट पहले हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर के दूसरे तरफ करंट जाएगा, मतलब ये काफ़ी एक इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फायरवॉल, मतलब कुछ भी हो जाए आपके यहाँ लो वोल्टेज आए उधर नहीं जाने देगा, हाई वोल्टेज आए उधर नहीं जाने देगा, ये गैल्वेनिकली आइसोलेट होने से ये बहुत सेफ हो जाता है। और चूंकि आप हर टाइम इन्वर्टर पे चल रहे हो और इन्वर्टर साइन वेव है तो आपका वोल्टेज वो हमेशा मेंटेन कर रहा है, और लोड अगर मान लीजिए बढ़ गया और आपका वोल्टेज डिप नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पल्स विथ मॉड्यूलेशन उसको कॉम्पनसेट करते जा रहा है, आपका बैटरी डाउन हो गया पल्स विथ मॉड्यूलेशन कॉम्पनसेट कर रहा है, तो इतने कॉम्पनसेशन के बाद जो आप इन्वर्टर से आउटपुट निकल रहा है वो बहुत साफ सुथरा है। ट्रांसफार्मर के बाद वो जो पल्स विथ है उसमें रिपल्स होता है थोड़ा, ट्रांसफार्मर वो रिपल भी स्मूथ कर देता है। अब आपके पास जो आउटपुट आ रहा है जो टू लोड जा रहा है वो एकदम साफ है, उस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है, उस वोल्टेज में कभी भी कट ऑफ नहीं होगा, उसमें ना हाई होने वाला है ना लो होने वाला है ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है, और वो पूरी तरह साफ है, मतलब आप उसको AC में डालिए आपको स्टेबलाइजर नहीं चाहिए, आप उसे कंप्यूटर में डालिए आपको UPS नहीं चाहिए, आप उसे कोई भी भारी मशीन में डालिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ये यही है इसका पूरा फंडा। और फिर आप सोचिएगा कि ये मैंने एक लाइन दिखाया स्टैटिक स्विच वो किस लिए, वो इसलिए होता है कि UPS चूँकि ये बहुत सीरियस जगह पे लगाया जाता है कि मान लीजिए गलती से आपका UPS ख़राब हो गया और आपका पावर कट हो गया तो नुकसान हो सकता है, तो इसलिए स्टैटिक स्विच होता है कि अगर UPS ख़राब हो गया और इस जगह पे सिग्नल आना बंद हो गया तो ये धड़ाक से स्टैटिक स्विच उसको कनेक्ट कर देगा मेन से, लेकिन फिर आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब फिर आपका अगर मान लीजिए मेन लाइन में उस दरमियान वोल्टेज अप डाउन हुआ वो उधर चला जाएगा, और ये स्विच जनरली एक्सेसिबल दिया जाता है ताकि मान लीजिए मेंटेनेंस के टाइम में आप डिसकनेक्ट कर लीजिए UPS और आपका जो भी ग्रिड है वो आराम से अपना काम कर रहा है, आप आराम से UPS निकालिए रिपेयर कीजिए उसके बाद वापस लगा दीजिए और स्विच चालू कर दीजिए। तो ये है एक रफ आइडिया क्या होता है मतलब डबल कन्वर्शन में।
तो फिर आपको ये समझना, जब डबल कन्वर्शन के इतने फ़ायदे हैं, आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाना है, आपको यूपीएस नहीं लगाना है, तो यार उसका दाम इतना ज़्यादा क्यों है? सब लोग तो खरीदना चाह रहे होंगे। तो आप ये समझिए, चूँकि उसके सारे कंपोनेंट जो है हर टाइम चल रहे हैं, जो आपका नॉर्मल यूपीएस है वो बंद हो जाता है, जब उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसके रेक्टिफायर स्टेज बंद हो जाता है, उसका काम हो गया, वो बंद हो जाता है, और आप जो डायरेक्टली लाइन से चल रहे हैं। फिर आजकल के यूपीएस जो आते हैं, जिसे लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस कहा जाता है, उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है जो वोल्टेज अप होने पे उसको चलाता है, कम होने पे चलाता है, फिर भी रेक्टिफायर आपका हमेशा शांति से बंद पड़ा हुआ है। डबल कन्वर्शन पे ये नहीं हो सकता, रेक्टिफायर हमेशा चल रहा है। प्लस एक प्रॉब्लम ये भी आती है रेक्टिफायर के साथ कि रेक्टिफायर जैसे आपने बना लिया 10 किलोवाट का, आपने मान लीजिए ऑनलाइन यूपीएस बनाया है, तो आपको 10 किलोवाट प्लस जो आपका बैटरी चार्ज करने का किलोवाट लोड है, मान लीजिए आपका 3 या 5 किलोवाट का बैटरी चार्ज करने का लोड आ रहा है जो आपका चार्ज कंट्रोलर खाएगा, आपको वो भी साथ में देना होगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपका इक्विपमेंट मान लीजिए 15 किलोवाट पे काम कर रहा हो, लेकिन आपको डिज़ाइन तो करना पड़ेगा कि वो 15 किलोवाट हैंडल कर सके। तो इस कारण से ये स्टेज बहुत ओवरबिल्ट होता है और इसको पंखे से ठंडे रखे जाते हैं, इसलिए आप कभी भी ऑनलाइन यूपीएस को नहीं देखेंगे जिसमें पंखा ना हो। आपको इन्वर्टर मिल जाएगा बिना पंखा का, लेकिन ऑनलाइन यूपीएस नहीं मिलेगा, और इतना ओवरबिल्ट बनने के चलते बहुत महंगा हो जाता है। फिर इन्वर्टर वाले सेक्शन में, अब तो ये डीसी हो गया, आप डीसी को जो दोबारा एसी कर रहे हैं उसमें फीडबैक लूप्स डाले जाते हैं और कई परत के डाले जाते हैं कि मतलब लोड से कितना हो रहा है, फ्लक्चुएशन क्यों नहीं, मतलब ये फीडबैक ना हो तो ये फ्लक्चुएशन आ जाएगा, इसमें फ्लक्चुएशन को कैंसिल करने के लिए, तुरंत कैंसिल करने के लिए इसमें फीडबैक दिया जाता है। पता मतलब ये समझिए सेंसर लगे हुए हैं कि टेस्ट कर लेता है, भैया वोल्टेज घट रहा है तुरंत बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ गया है घटाओ, मतलब फीडबैक का सिस्टम चलता रहता है। इसलिए इतने सारे चीज़ को मिलाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। फिर हम आपके बारे में एक चीज़ बताना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, कि यूपीएस का कितनी देर चलेगा और कितना पावरफुल चलेगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो आप समझिए, आपने जैसे एक यूपीएस ले लिया, आपने ये छोटा वाला ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि कम देर चलेगा, या ये बड़ा वाला लिया इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा देर चलेगा। ये यूपीएस जो है, जिसे ऑनलाइन यूपीएस आप कह रहे हो, ये सिर्फ पावर को डिफाइन करेगा। ये आप ऐसे समझिए, ये आपका जनरेटर है, ये आप जनरेटर खरीद रहे हो कि हाँ भैया 10 किलोवाट का जनरेटर है, 50 किलोवाट का है, 100 किलोवाट का जनरेटर है। फिर लेकिन आपको भी पता होगा जनरेटर में मेन कितना देर जनरेटर चलेगा वो तो तेल पे होता है। आपके पास तेल की टंकी कितनी बड़ी है, 10 लीटर का टंकी है, 50 लीटर का टंकी है, तो वो टंकी ये होता है बैटरी। तो जैसे मान लिया आपको कोई बोल दिया भैया ये 24 वोल्ट का है, ठीक है, लेकिन बैटरी कितने एम पावर की लगाई गई है आप इससे देखिए। बैटरी अगर 100 एम पावर की है बहुत देर चलेगा, 7 एम पावर की जो कि नॉर्मल यूपीएस में होता है, आप तो देखते ही होंगे 5-6 मिनट में बोल जाता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा अपना यूपीएस, 220 एम का बैटरी डाला, बहुत महंगा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पावर कट 6-7 घंटे तक हो जाता है, तो उसलिए चाहिए था भारी भरकम। और आप एक चीज़ समझिए, पावर हमेशा केवीए में बताया जाएगा आपको, या वीए में जिसको कहते हैं, वोल्ट एम्प जिसको कहा जा रहा है। इसका 30% नीचे आइए आप और वो होगा आपका किलोवाट। तो किलोवाट है आपका एक्चुअल लोड, केवीए इसलिए बोल रहे हैं कि केवीए बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए बड़ा नंबर सुनने में अच्छा लगता है। तो केवीए गलत नहीं है, वो आपको झूठ नहीं बता रहे, लेकिन केवीए में प्रॉब्लम ये होता है, केवीए पावर फैक्टर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए आपका जेट पंप लिखा है 700 वाट खाएगा उससे ज़्यादा, आपका ट्यूबलाइट जो लिखा है 700 वाट वो 700 वाट ही खाएगा। तो ये सब अप डाउन जो होता है ये केवीए पे होता है, किलो वाट में नहीं होता है। तो इसलिए आप हमेशा, ये आपके लिए अच्छी बात आदत रहेगी, जैसे आपको मैंने अभी लिया ल्यूमिनस का 2 KVA का लिया है, तो उसमें लिखा हुआ है, उसके मैनुअल में आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि 1600 वाट तक ही ले सकता है, मतलब 1.6 किलो वाट तक ही ले सकता है। इसलिए हमेशा 30% आप कम रहिए। और ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद मज़ा आया हो या कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया, तकलीफ़ हो गई देखने में, टाइम बर्बाद हो गया, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर आप कमेंट बताइए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में कंप्यूटर वेडनेसडे के, और सब्सक्राइब कीजिए, हम तो डेली वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप घंटी बजा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। और हमेशा के लिए देखने के लिए धन्यवाद।